हंस रास्ते से जा रहे और राजा वीर विक्रमाजीत की बड़ाई करते हुए रास्ते से जा रहे, तो रास्ते में इंद्र महाराज मिलते हैं। तो कहने लगे, अरे किसकी बड़ाई गा रहे हो? बोला राजा वीर विक्रमाजीत की। बोला मेरे तो ही बड़ा हो गया। इतनी कह के वो इंद्र महाराज हंसों की हंसनी को घोस लेते हैं। तो बोला ऐसा छतरी है तो छुटा ले जाएगा। तो वे हंस राजा वीर विक्रमाजीत के पास पहुंच जाते हैं। कहा के राजा मारी हंसनी घोसली। बोला करया तो फिर भी थामना गलत से, फिर भी मैं थारी हंसनिया ने छुटा के लियाऊंगा। वो बोला लियो राजपाट की चाबी, करो आराम और मैं थारी हंसनिया ने छुटा के लियाऊंगा। तो राजा वीर विक्रमाजीत रस्ते से तामोल नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां देखा कि एक बठियारी की सरा, वो बठियारी अपने बेटे ने नवावे खवावे और रोवे। तो कहने लगा ये रोवन आली क्यों रोवे, के विपता पड़गी तेरे में, गहरा के दुख दूर करया करू या ताकत से मेरे में। नुबलिया रे भाई के बुझेगा, अरे एक राजा है श्याम धाम, जिसकी लड़की के पेट में सरप से और रोजाना नगरी से एक भेंट जाती। तो 12 साल पहले का बाप गया था, जो फिरता 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 फिर नोता मारी देली पाग तक गया। इतने में और राजा श्याम धाम का मंत्री लड़के इंद्रमल को बुलावे के लिए बुलाते। वे इंद्रमल और राजा वीर विक्रमाजीत और बटियारी महल में पहुंचते। हे मत ना रो वननी, सब ने एक बार मरना से, जित राजा न्याय योड़ जी गए के करना से। राजा वीर विक्रमाजीत कहते राजा इस लड़के के बदले कोई और जास कहे। बोला गांव गवांड का ना हो भाई, मेरे लिए कोई हो। तो बोला इब जावे मैं घर रंग रोगन करा ले, इब मैं न्यू कर दूंगा तेरे छोरे के बदले मैं जागा। कैसे हो राजा वीर विक्रमाजीत बठियारी से क्या कहता है, क्या लिखा बोला है? तेरे बेटे की जान बचा रहे जा तेरा, और शाम धाम राजा की नगरी गुड़ गावेगी सारी। तो
न पार रुकाई आती दू ओ हे पार रुकाई आती दू एक पक्का दार बछेरा ओ जा बता मेरा की नगरी और मुर्गा वे ओ रे हेलो, हमारी बात किस समय की के जब रोहतास बागों में फूल तोड़ने के लिए जा पे और वहां पर विश्वामित्र ने विषयर बनकर रोहतास को डस लिया। तो रोहतास कैसे क्या करता है? हेलो हेलो ए रची सला गरी चस चस होई बोचियो मेरा चीसला भरी चस चस होरी गात बोचियो मेरा जी पे आजादी मेरी मां ने करियो मेरा जड़ गया दूर बदन का फिक्का पड़ गया चेहरा ओ जीवते जी पे आ जागी मेरी मां ने कहियो मेरा ओ हो भाई कैसे दूसरे नंबर पर क्या लिखा है क्या आदर साहब
ऊंची याडी भर क्यूंगा और लंबे लंबे बनवा देखने में बनवा का पाटी भर क्यूंगा तनाया रे कटी बनी के बिल्कुल ठाटी भर क्यूंगा और लाख बदी वापरो बाण के बेटे के सर सहरा से और मान सम्मान करते हैं तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद बार बार धन्यवाद धन्यवाद ये अंकल जी नाम ने बता 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय गुरु तुल्य पिता तुल्य मासा जी रमेश कलावड़िया जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद और अंकल जी 100 रुपए से और आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद तू नहीं तो जिंदगी क्या जिंदगी
आदरणीय पवन जी 100-100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। क्या लिखे भला किसे का बेटा खूर्या
कलू बाग में लाल पड़ा सैदेरा।